वैसे तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार सुशासन का दम भरती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बीजेपी के तमाम दावों के बिल्कुल उलट है। घटना है टोल प्लाजा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की। भोपाल इंदौर हाईवे पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता टोल प्लाजा के कर्मचारियों को धमकाते नजर आए, क्योंकि बीजेपी से जुड़े इन कार्यकर्ताओं को वीआईपी एंट्री चाहिए थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंग गई कि ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। ये देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता टोल प्लाजा के कर्मचारियों को धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी की ठाट जमाते ये कार्यकर्ता गाड़ियों को भी आगे निकलवा देते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों से मारपीट करने और धमकाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं, क्योंकि नेताओं को टोल पर रुकना नागवार लगता है, जिसके चलते कभी कभार वहां तैनात कर्मचारियों की शामत भी आ जाती है। लेकिन यहां तो ये लोग नेता भी नहीं थे, इसके बावजूद बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था। तो देखा आपने कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ता वीआईपी एंट्री के लिए गुंडागर्दी करते नजर आए। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब इन कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना फिलहाल बाकी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।